वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी में आयुष कॉलेजों में एडमिशन की जांच करेगी सीबीआई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सौंपी है सीबीआई को जांच। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी तत्कालीन अपर मुख्य सचिव की भूमिका की जांच। भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर कठोर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी में आयुष कॉलेजों में एडमिशन की जांच करेगी सीबीआई। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सौंपी है सीबीआई को जांच। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी तत्कालीन अपर मुख्य सचिव की भूमिका की जांच होगी। भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर कठोर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। आयुष कॉलेजों के एडमिशन की जांच करने जा रही है अब सीबीआई। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी तत्कालीन अपर मुख्य सचिव की भूमिका की भी जांच होगी। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इसी खबर पर नीतीश और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। नीतीश, पूरा मामला आपसे समझना चाहेंगे और बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री यहां धर्मपाल सिंह सैनी और तत्कालीन अपर मुख्य सचिव की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। निश्चित तौर पे जिस तरह से अभी तक की जो चीज़ें सामने हैं उसमें तो कहीं ना कहीं धर्म सिंह सैनी और इसके साथ ही जो अपर मुख्य सचिव है उनकी जो भूमिका है वो संदिग्ध है। लेकिन इस पूरे मामले का आपने जिक्र किया तो ये पूरा मामला नवंबर 2022 में सामने आता है जब आयुष कॉलेजों में यूजी और इसके साथ पीजी की मान्यता के तौर पर बड़ी रकम वसूलने की बात सामने आती है। मामले की जांच शुरू होती है और इस पूरे मामले में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार दो बार सीबीआई जांच कराने के लिए प्रयास कर चुकी थी, लेकिन अब कोर्ट का आदेश है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच हो रही है। आपको बता दें कि करोड़ों का घोटाला है ये। अगर बात करें तो पीजी की मान्यता के लिए 50 लाख और अगर यूजी की मान्यता की बात करें तो 1 करोड़ से ज़्यादा की रकम वसूलने के आरोप है। अब देखना ये होगा कि जब सीबीआई इस पूरे मामले की जाँच करती है तो पूर्व मंत्री धर्म सैनी ये किस तरह से सामने आते हैं, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर देखें तो जो छात्रों ने पूरे मामले में एडमिशन लिया उनका बड़ा घाटा हुआ और मुख्य याचिकाकर्ता जिन्हें डॉक्टर ऋतु गर्ग कहा जा रहा था उन्हें सशर्त जमानत तो मिली है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब सीबीआई जांच करेगी और जांच के बाद जो तस्वीर है वो पूरी तरह से साफ हो सकेगी, क्योंकि जिन छात्रों ने एडमिशन लिया एडमिशन लेने के साथ ही उनका जो घाटा हुआ उनकी भरपाई कौन करेगा। और इन सब के इतर अगर बात करें तो यूजी हो चाहे पीजी, आयुष कॉलेजों की जो मान्यता थी उनको लेने जब ये मान्यता उन्हें दी गई तो इस मामले में क्या रकम वसूली गई, अगर मानकों के साथ हेरा फेरी हुई तो मानकों के साथ हेरा फेरी किस स्तर पर हुई, इन सारे विषयों की अब जांच होगी। और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि अगर भूमिका संदिग्ध पाई गई तो कठोर कार्रवाई के लिए भी तैयार रहे।